हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं टेक एंड रैप चैनल। आज की वीडियो होने वाली है HP के एक्सटर्नल DVD ड्राइव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल हमें 99.9% लैपटॉप्स में इंटरनल DVD ड्राइव नहीं देखने को मिलता है, और ऐसे में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी पुरानी CD या DVD को प्ले करने की, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक एक्सटर्नल DVD प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, ये है HP अ ब्रांड यू कैन ट्रस्ट। इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके फीचर्स क्या क्या आपको बॉक्स में कंटेंट्स मिल जाते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टेक एंड रैप। चलिए दोस्तों, अनबॉक्स करते हैं हमारे HP के एक्सटर्नल DVD रीराइटेबल ड्राइव को। तो बॉक्स के सबसे पीछे हम नज़र डालते हैं तो पीछे हमें एक स्टिकर मिलता है जहाँ पे क्लियरली लिखा है USB एक्सटर्नल DVD रीराइटेबल ड्राइव। ये 2020 एडिशन है और मेड इन चाइना का यहाँ पे स्टिकर है। साइड में छोटा सा स्टिकर है और फ्रंट के साइड हमारे पास जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हमें मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो है वो चाइना की लोकेशन है, इंपोर्टर जो है वो बेंगलोर का है, और इसका पार्ट नंबर पे हम एक बार नज़र डालते हैं तो पार्ट नंबर जो मेंशन है वो है F6V97AA-ACJ। तो ये HP का पार्ट नंबर है और जो कंटेंट्स हमें मिल जाते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, और प्राइसिंग देख लीजिए MRP 24999 मेंशन है, लेकिन ये 1790 के आसपास अमेज़ॉन पे हमें मिल जाता है, और अगस्त 2020 की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है दोस्तों। तो बाकी बॉक्स को भी मैं एक बार ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स में बाकी साइड्स में कुछ भी मेजरली हमें प्रिंटेड नहीं मिलता है, स्पेक्स वगैरह कुछ इस बॉक्स पे मेंशन नहीं है। ये देखिए जो इसकी सील है, आपको कुछ ट्रांसपेरेंट टेप टाइप दिखेगी, ये जो आप टेप टाइप देख पा रहे हैं सेलो टेप जैसी है, ये इसकी सील है दोस्तों। इसको हम कट करके अभी अनबॉक्स करके दिखाएंगे। ये अभी पूरा सील पैक है, मैं आपके सामने इसको कट करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसकी सील को अब कट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको कट करेंगे आप देख पाएंगे इसके कंटेंट्स हमें क्या क्या मिल जाते हैं। आई थिंक इसकी सील अभी प्रॉपर कट नहीं हुई है, तो एक बार मैं फिर से कट लगा देता हूँ। एक बार फिर से इसको प्रॉपर कट लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाते हैं कंटेंट्स। मैं आपको सारे एक बार कंटेंट्स चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं केबल हमें दिख रही है, जो केबल साथ में प्रोवाइडेड है वो हमें दिख पा रही है। ये केबल है जो कनेक्टर भी है और इसी के थ्रू पावर भी जाएगा इस ड्राइव को। और उसके बाद हम देखते हैं तो ये है हमारा DVD ड्राइव इट्सेल्फ एंड नथिंग एल्स इन द बॉक्स एंड हियर इज सम यूज़र मैनुअल। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके पर DVD ड्राइव को रख देते हैं। ये जो है आई थिंक वारंटी कार्ड भी यही है, मैं अभी आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो इसमें जो है हमारा, ये तो है यूज़र मैनुअल एंड ये देखिए, ये है हमारा HP का वर्ल्ड वाइड लिमिटेड वारंटी। तो मतलब वर्ल्ड वाइड आप वारंटी को कहीं भी किसी भी लोकेशन में वारंटी क्लेम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें HP का वर्ल्ड वाइड वारंटी मिलता है। और ये जो है हमारा प्रोडक्ट नोटिस, यानी कि जो यूज़र मैनुअल है वो प्रोडक्ट नोटिस, ये बहुत ही बड़ा सा कुछ इन्होंने यूज़र मैनुअल यहाँ पे दे रखा है। तो इसको कर देते हैं साइड। तो लेट अस कम टू दी प्रोडक्ट इट्सेल्फ। ये काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन मुझे लग रहा है, काफ़ी लाइट वेट, एक्चुअली काफ़ी लाइट वेट है ये, देखने में काफ़ी स्लीक है और इसका वेट काफ़ी लाइट है दोस्तों, काफ़ी लाइट वेट प्रोडक्ट है। चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। तो HP की ब्रांडिंग यहाँ पे सबसे टॉप पे आप देखेंगे HP की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफ़ी स्मूथ सी फिनिश, और इस पर मैं देख पा रहा हूँ एक ट्रांसपेरेंट सी, चलो उसको हम बाद में देखेंगे। पीछे की साइड कुछ वार्निंग्स मिल जाती है क्योंकि ये लेज़र प्रोडक्ट है, लेज़र टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो कुछ लेज़र रिलेटेड वार्निंग है। इस पर आप देखेंगे तो अपर साइड जो है इसकी बहुत ही थिन सी फिल्म लगी हुई है, और ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये बटन इजेक्ट बटन है, आप फ्रंट में देख पा रहे हैं ये इजेक्ट बटन है दोस्तों इसका। अगर आप क्लोजली नोटिस करेंगे तो इजेक्ट बटन के साथ एक हमें होल मिल जाता है,
ये आप देख रहे हैं इजेक्ट बटन के साथ ये जो होल है ये उस सर्कमस्टेंसेस में काम आता है जब आपका जो डीवीडी ड्राइव है ये हैंग हो जाता है, तो इसमें आप पिन इंसर्ट करके इस होल में एक पिन इंसर्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब केबल को, हमें किस टाइप की केबल मिल जाती है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी केबल है दोस्तों जो इसके साथ आती है, यही कनेक्टर है और इसी के थ्रू पावर जाती है डीवीडी ड्राइव को। तो एक बार मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसके बाद हम कनेक्ट भी करेंगे इसको हमारे लैपटॉप से। तो चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं, ये USB टाइप ए केबल है देखिए, और दूसरी तरफ हमें मिल जाती है ये जो है मिनी USB है। तो दोस्तों आप इसको माइक्रो USB से कन्फ्यूज़ मत कीजिए, ये मिनी USB है, ये मिनी USB है और ये USB टाइप ए कनेक्टर है। तो इसको कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है दोस्तों, ये जो एंड आप देख रहे हैं ये USB पोर्ट में लग जाएगा लैपटॉप में, और जो दूसरा एंड आप देख रहे हैं जो USB मिनी कनेक्टर है ये इसके DVD ड्राइव के बैक साइड में, ये देखिए ये कनेक्टर के लिए हमें पोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। आप इसके कट मैच करके अच्छे से इसको लगा दीजिए, ये काफ़ी ईजिली यहाँ से आप देख रहे हैं काफ़ी ईजिली यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, ये हमारे ड्राइव के बैक साइड में कनेक्ट होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारा ड्राइव यूज़ करने के लिए रेडी है, बस आपको इसको लैपटॉप में कनेक्ट करना है अपने USB पोर्ट में। तो एक बार मैं लैपटॉप ले आता हूँ फिर आपको चेक करवा देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे लैपटॉप की USB पोर्ट में हमें सिंपली इसकी केबल USB टाइप ए केबल हमारे USB पोर्ट में हमें कनेक्ट करनी है। जैसे ही इसके USB में हम कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे माई कंप्यूटर में अलग से ही ड्राइव बन के आ जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे अभी कोई एडिशनल ड्राइव नहीं है, जैसे ही मैंने इसको USB पोर्ट में कनेक्ट किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी USB DVD डीराइटेबल ड्राइव बन के आ गई है दोस्तों। जैसे ही हमने USB को कनेक्ट किया तो ये आ गई, और हटाते ही जैसे अभी आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने डिसकनेक्ट किया है इसकी वायर को मैंने हटाया है तो वो ड्राइव रिमूव हो गई है। एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ, जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे माई कंप्यूटर में अलग से ही ड्राइव बन के आ जाती है DVD रीराइटेबल करके। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, अभी अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ तो देखिए कनेक्ट करते ही DVD रीराइटेबल ड्राइव बन के अलग से ही ड्राइव बन के आ जाती है दोस्तों। और इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो इजेक्ट हो जाता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए डबल क्लिक करते ही ये इजेक्ट हो गया है, इसको हम वापस पुश कर देते हैं और डबल क्लिक करके मैं एक बार दिखाता हूँ ये कैसे ऑटो इजेक्ट होता है। ये देखिए दोस्तों ये ऑटो इजेक्ट बहुत ही स्मूथली होता है, साथ में इंडिकेटर लाइट भी है। ये देखिए डबल क्लिक करते ही ये ऑटो इजेक्ट हो जाता है दोस्तों, ये देखिए। मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ ड्राइव पर तो ये ऑटो इजेक्ट होगा अभी, ये देखिए बहुत ही स्मूथ फंक्शन है, बहुत स्मूथली ऑटो इजेक्ट हो रहा है। वरना आप फ्रंट में इस बटन का यूज़ करके भी इजेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ में बहुत ही प्यारी सी ग्रीन इंडिकेटर लाइट भी हमें दिख जाती है। तो आई थिंक जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो अब आपको इसको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है HP की तरफ से। और आई थिंक अब आपको इसको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है गाइस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि आपको इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई है, आपको थोड़ी भी ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।